आचार्य ने दुनिया भर को अपने ज्ञान से फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आचार्य ने सिर्फ अर्थशास्त्र और राजनीति क्षेत्र से जुड़े विषयों पर ही अपने अनुभव दुनिया से साझा किए हैं, बल्कि उन्होंने आम मानवीय व्यवहार, स्त्री पुरुष गुण दोष और भावी संकटों की पहचान करने के संबंध में तमाम ऐसी गूढ़ बातें बताई हैं जो आज के समय में भी यथार्थ के काफी करीब जान पड़ती हैं। चाणक्य ने बताया है, ऐसे में उसका साथ छोड़ दे। एक चाणक्य ने बताया है कि अगर आपकी पत्नी हमेशा गुस्सा करती रहती है, कभी भी शांत नहीं बैठती, तो आपको ऐसी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में ही आपकी भलाई है, वरना आपका जीवन कभी भी सुखमय नहीं रह सकता है। चाणक्य का मानना था कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन सफल रहे, तो आपको मृदु स्वभाव की पत्नी से ही शादी करनी चाहिए। दो, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने मित्रों की किसी स्वार्थ के चलते बेवजह तारीफ करते रहते हैं। चाणक्य का कहना है कि अगर आपके मित्रों का भी स्वभाव कुछ ऐसा है, तो उन्हें जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपके सच्चे हितैषी नहीं होते हैं, बल्कि वो किसी स्वार्थ के चलते ही आपके इर्द गिर्द रहते हैं। तीन, कहते हैं कि गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। गुरु अपने ज्ञान से हमें सही राह दिखाता है, तो ऐसे में अगर आपके गुरु के पास ही ज्ञान न हो और वो खुद ही पथभ्रष्ट हो, तो उसे भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा गुरु आपको सही राह दिखाने के बजाय आपको वही बुरे कर्म करने की सलाह देगा जिसका वह आदि है। चार, कहते हैं कि हर धर्म में मानवता को श्रेष्ठ बताया गया है, ऐसे में अगर किसी धर्म में दया का भाव न दिखाई दे, तो उस धर्म को नहीं अपनाना चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित और रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल हेल्थ जैगरिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।